नमस्कार। लास्ट टाइम के लिए सॉरी, माफी मांगता हूं कि वीडियो सडनली एब्रप्टली बंद हो गया। कारण ये था कि मोबाइल पर रिकॉर्ड करता हूं विदाउट एडिटिंग, सो एक कॉल आ गया। आई वेंट ऑन स्पीकिंग, मैं बोलता चला गया। बाद में रियलाइज हुआ कि वो कॉल जो आया था जिसको मैं डिस्कनेक्ट किया था, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग बंद हो गया। तो आई वॉन्टेड, मतलब इनफैक्ट मैं 33 मिनट्स 33 सेकेंड तक बोलता गया और बाद में रियलाइज हुआ कि वो बंद हो गया एग्जैक्टली 22 मिनट्स 24 या 25 सेकेंड्स पे। तो 2 सेकेंड कट करके आई पोस्टेड द वीडियो 22 22। तो वो एक सीरीज था इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, तो उसको एक बार कंटिन्यू करता हूँ। आज उम्मीद करता हूँ 2-3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे इन्वेस्टर ट्रेडर। दूसरा, एक मेरा ट्रेड ओपन है ट्विटर पे, कभी बात नहीं किया उस बारे में, उसके बारे में बात करता हूँ। और तीसरा, एक ट्वीट आज ही किया, अभी किया एक इंटरनेशनल बंदे, ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं इंटरनेशनली फॉर सो मेनी रीजंस, बट एक लगा जो दिल को छू गया इन द सेंस बिकॉज उसमें इंडिया के ऊपर बहुत गुरुत्व है, तो उसको 2 मिनट डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे तो डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ हैं, देखते हैं 22 मिनट 22 सेकंड में कितना डिस्कस कर पाएंगे। तो क्रूड का एक ट्रेड पहले बोला था कि मिडिल ईस्ट में क्रूड को लेके क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है और क्रूड को क्या हो सकता है, और टॉपिक्स काफी कुछ, सॉरी आई एम नॉट वेरी गुड ऑफ हेल्थ, बात करने में फिर प्रॉब्लम है कुछ दिनों से, बट एनी विच वेज चेष्टा करता हूँ थोड़ा धीरे बोलूंगा तो शायद ठीक रहे। तो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, एक पॉइंट जो लास्ट में मिस किया उस पर डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टर और ट्रेडर। तो जो एक मेरे सर पे एक स्टैंप लग गया है कि आई एम ऑलवेज बियरिश, मैं हमेशा मंदी की बात क्यों करता हूँ, मैं हमेशा मंदी में रहता हूँ। कोई बोलते हैं मैं 15,000 से मंदी में हूँ, कोई बोलता है 16,000 से, कोई 18,000 से, कोई 20,000 से, जिसको बोलना है वो बोले, फर्क नहीं पड़ता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरा व्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर के बीच में डिफरेंस आपको क्यों बताना है। कोविड के लो से बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था खरीदो खरीदो खरीदो, यूक्रेन रशिया वॉर लास्ट ईयर, ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट आज से एग्जैक्ट 12 महीने पहले, यही फरवरी और मार्च का टाइम था, बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला कि ये वॉर नरेटिव है। आपको कितने लोगों को याद है ये बात कि ये एक नरेटिव है, वॉर चलता रहेगा, नरेशन लोग भूल जाएंगे। कोविड में जब व्हेन आई यूज्ड टू प्रेडिक्ट कि कोविड विल बी इन हिस्ट्री बुक्स और इस भय को मत बेचो, उसके बाद कुछ ऐसा वेरिएशन भी आता था ना, तो लोग पूछते थे अरे सर क्या हुआ आपका प्रेडिक्शन, सर क्या हुआ प्रेडिक्शन, मतलब टाइम फ्रेम क्या है, मतलब आप लोगों का समझने का टाइम फ्रेम तो कुछ होगा ना। आज उस कोविड के, मैं गर्व से बोल सकता हूं कि जिसको मैं बोलता था कि मत वैक्सीनेशन लो और ये हिस्ट्री बुक्स में चला जाएगा, कम से कम आप इस बात को तो मानोगे ना कि अब बहुत सारा कमेंट्स, बहुत सारा मैसेजेस कि आप ट्रैवल कैसे करोगे, आप ये कैसे करोगे, आप वो कैसे करोगे, आपने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। आप आज बताओ कि कौन से कंट्री में वैक्सीनेशन या ये या वो या कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस अब है वर्ल्ड ओवर, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया में जो साइट चालू हुआ था कोविड वैक्सीनेशन का वो अब बंद हो चुका है। कितने लोगों को पता है, नहीं पता, नहीं पता। आई जस्ट वॉन्टेड समवन टू टेक सेकेंड शॉट, मतलब फर्स्ट शॉट था उसका, या इनफैक्ट अभी मेरा बेटा का जब एडमिशन हो रहा था कॉलेज में तो एक गाइडलाइंस तो पुराना सेट किया हुआ है तो उसमें आया कि लेना होगा, तो पता किया तो पता चला गवर्नमेंट का साइट ही डाउनलोडेड है, मतलब वो बंद है, अब वैक्सीनेशन का ऐसा अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आई टोल्ड माई सन कि तुम जाओ वहां पे, जाओ कॉलेज ज्वाइन करो, फिर देखेंगे क्या होता है, नथिंग, वो खाली लिखने के लिए है, बस इम्प्लीमेंटेशन में खत्म हो गया, कोविड का भय खत्म हो गया ना। यूक्रेन रशिया वॉर आज भी चालू है और मैंने बार बार, कितने लोगों ने कितना प्रेडिक्ट किया कि ये वॉर रशिया यूक्रेन इस तारीख को बंद होगा, उस तारीख को बंद होगा। मैंने सिर्फ एक बार शायद बताया था, एक तारीख एक शेयर किया था कि अगर ये दिन पे अगर बंद नहीं हुआ तो फिर ये अब बंद नहीं होगा, और वो दिन और आज का दिन आज भी चालू है। और अब इसके पहले भी कई बार बताया हूँ कि अब ये नए नए पॉकेट्स वॉर
अगर वॉर के ऊपर वीडियो कभी फिर बनाऊंगा, ये नए नए पॉकेट्स में वॉर शुरू होता चला जाएगा और एक समय है, वो समय तक ये अलग अलग यू नो बॉइलिंग पॉइंट्स, अलग अलग जगह बॉइलिंग पॉइंट्स स्टार्ट होंगे, डेवलप होंगे और ये चलता चला जाएगा जब तक कि ये अब इसका कल्मिनेशन रुकेगा कब, ये अब सिर्फ वर्ल्ड वॉर पे रुकेगा। वर्ल्ड वॉर कब होगा, क्या होगा, फिर उस फिर आप लोगों में से कुछ नेगेटिव लोग आएंगे, बोलेंगे आप ये बोल दिए वो बोल दिए, कुछ नहीं, आज का दिन नहीं बोल रहा हूं ना, जब होना होगा तब होगा, छोड़ दो जब होना होगा तब हो। बट ये अब जो जो वॉर शुरू हो रहा है वो कहीं नहीं रुकेगा, अभी ये चलता चला जाएगा। ये स्मॉल, ये सेम इतिहास वर्ल्ड वॉर टू के सामने भी हुआ था, छोटे छोटे पॉकेट्स में चालू हुआ था और बाद में फिर एक समय आया जब यू नीड टू डिसाइड दिस साइड और दैट साइड, उस समय द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू टू एंड द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। और ये समय अब ये धीरे धीरे टिक 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 चल रहा है। बात कहां से कहां चली गई, इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। इन्वेस्टर्स के लिए मैंने कब कब लॉन्ग बोला, सेफ और कोविड में बोला, यूक्रेन रशिया में बोला, तो एग्जिट भी बोला ना, क्योंकि आप ओपन एंडेड तो रह नहीं सकते हो। आज अगर कोई चीज का रिकमेंडेशन मैंने 2020 से अगर यूट्यूब शुरू किया और फ्री रिकमेंडेशन स्टॉक्स पे दिया, तो उसमें टाटा मोटर भी था, उसमें सेल भी 20 रुपए में था, उसमें इंटायर पीएसयू पैक था, पूरा वीडियो बनाया था जिसमें समझाया था कि एक जब जोमैटो और पेटीएम का आईपीओ आ रहा था उस समय पूरा मेरा वीडियो है जिसमें समझाया था कि एक समय आने वाला है फ्लिपकार्ट और अमेजोन के वैल्यूएशन पे लोग नहीं जाएंगे और लोग ये देखेंगे कि आपके अंटी में एसेट एसेट साइड में क्या है। ये जो नया अमेजोन ऑफ द वर्ल्ड, ये 2020-21 की तेजी चली कोविड के बाद, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन, उस समय एक मेरा पूरा वीडियो था, दो सीरीज का वीडियो था जिसमें आई ट्राई टू एक्सप्लेन, एक समय अब आ गया जब लोग ये सोचेंगे, ये पूछेंगे कि भाई तेरा एसेट क्या है। जब हम पुराना पुराने जमाने में जाते हैं, जब लोग रुक्का का लेन देन करते थे, किसी को लोन देते थे, तो पहले ये देखते थे उसका घर कैसा है, उसका उसके पास एसेट्स क्या है, उसका फैक्ट्री कैसा है, उसका व्यापार कैसा है, क्या है, वो पैसा ले रहा है तो दे पाएगा कि नहीं। एग्जैक्ट इस वर्ड्स पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें समझाया था कि ये पेटीएम, जोमैटो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये पैसा बर्न कर रहे हैं, मतलब ये जितना बर्न कर रहे हैं उसका वैल्यूएशन, ये कौन सा इतिहास है भाई। उन लोगों का क्या हुआ आपके सामने है। एंड दैट टाइम ओनली आई सेड कि REC, PFC, PTC, NHPC, गेल, सेल, कोल, कोल इंडिया पे एक पूरा मेरा वीडियो था जिसमें बताया था कि ये कंपनी ऐसी है जो मट्टी खोद के मट्टी बेचती है और सोना के भाव पे बेचती है, व्हाट 120 रुपया। वहां से क्या है वो आज देखो। मैंने एग्जिट कब बोला वो देखो भाई। I told exit, तो क्या ओपन एंडेड छोड़ दें, क्योंकि ये जनरेशन तो वैसा है कि आज के दिन में OMC का कॉल ओपन है और OMC का कॉल आज मैं ये एडवांस वीडियो बना रहा हूं कि अगर कोई कारण से, कोई कारण से, ये मैं समझना कि मैं बोल रहा हूं गिर जाएगा, बट अगर कोई कारण से 10-20% गिर गया ना, तो फिर रिप्लाई आएगा कि सर OMC गिर गया अब क्या करूं। क्योंकि ये क्या है कि आज के ह्यूमन साइकोलॉजी है, लोग इंसान को गलत होता हुआ देखकर उसका खुशी मनाना चाहते हैं। तो अगर मैंने बोला कि आप ये ले लो तो वो लेना नहीं है, क्यों, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि गलत हो तो मैं मैसेज दूं कि सर क्या गलत हो गया। चाहे वो फार्मा हो 10x 3x 4x हो गया लास्ट ईयर से, ऑटोमोबाइल 22 का फ्लेवर वो आप देख लो कहां पर है, फार्मा OMC लास्ट ईयर का वो देख लो आप कहां पर है, उसके पहले एवरी ईयर हैव टोल्ड 5 साल से। तो अगर एंट्री बताया है तो एग्जिट बताना मेरा काम है कि नहीं। अगर आपने सिर्फ एग्जिट देखा और फिर बता रहे हो कि आपने तो 16,000 से मंदी बता दी, अरे भाई मंदी इन्वेस्टर या ट्रेडर, ट्रेडर पे आता हूं, अभी इन्वेस्टर की बात करते हैं। तो जो इन्वेस्टर अगर लिया और उसके बाद वो कुछ एक्स होने के बाद अगर बेच दिया तो उसमें कहां नुकसान है। अब उसका बिकवा दिया और उसको वापस दिलवाना, ठीक है देखते हैं कौन सा सेक्टर दिलवाना है, कब दिलवाना है। इस पूरे साल को मैंने नाम नहीं दिया है, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि 4 साल से मैं ये हर साल को एक नाम देता हूं, हर साल का एक सेक्टर बताता हूं, इस साल नहीं बताया, क्यों, क्योंकि इस साल का नाम बड़ा खतरनाक होगा, इसलिए छोड़ दिया, इसको एक बार छोड़ देते हैं, समय आएगा तो फिर शेयर करेंगे। इसका मतलब क्या फिर मैं मंदी में हूं? अरे बाबा मार्केट में हर तरह का मूव होता है, जब लेने का समय आए तो लेना है, अगर बेचने का समय आए,
जब लोग ले रहे हो यूफोरिया में आप बेच पाओगे। बार बार कितने साल से बोल रहा हूं भाई, लेव लो में बिकता है। जब सब सारे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स का अगर नीचे ही सर्किट लग जाए तो फिर आप बेचोगे किसको? फिर तो बिकेगा वो आपके हिसाब से, मतलब मार्केट के हिसाब से। उस समय तक तो खत्म हो गया। कोई शेयर को चार टाइम होना, फोर टाइम्स होना, मींस मतलब 4x होना, 100 का 400 होना और 400 से 200 होना, ऊपर जाते समय 4x होना पड़ेगा, नीचे आते समय सिर्फ 50% करेक्शन, ओनली 50% करेक्शन एंड इट इज 200 रुपीज। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फियर नहीं बता रहा हूं, आई एम टेलिंग व्हाई आई रिकमेंड एंट्री, एग्जिट एंड कॉशन। कॉशन बार बार कॉशन बताता हूं, मतलब इट इज नॉट कि मैं आई एम फियर मॉन्गरिंग, क्योंकि ज्ञान कॉन्ट्रा व्यू देता है। जब सब बेच रहे हो तो आपको अगर पता हो कि वो कब आकर लेना है, तो वो कोविड था, यूक्रेन रशिया वॉर था, उसके बाद लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर से अगर एग्जिट दिया तो ठीक है, दिया ना, तो आप एग्जिट क्यों देख रहे हो? इंट्री कहां लिया वो नहीं किसी को याद है कि इंट्री कहां इसने दिलवाया। एनीवे, कंट्रोवर्सी पे नहीं जाना है, मैं पॉइंट नोट करके लाया हूं कि उतना ही वीडियो बनाना है जितना यू नो सब्सटेंस रहे जिसमें। अब एक, हाँ एक पॉइंट है, 4-digit बैंक निफ्टी, ये बड़ा कंट्रोवर्सियल हो गया 4-digit बैंक निफ्टी। जब आएगा तब आएगा ना। अगेन वाई कि ये आज क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया? अच्छा एक चीज बताओ, इन्वेस्टर ट्रेडर में मेजर डिफरेंस क्या है? कितने लोग बता पाएंगे कि इन्वेस्टर और ट्रेडर में मेजर डिफरेंस क्या है? मैं हजारों लोगों से मिलता हूं, कहीं भी समाज में भी जाओ, भगवान के आशीर्वाद से रिकॉग्निशन मिल गया, कोई शादी में जाओ, कहीं जाओ, लोग चेहरा पहचानते हैं, लोग पहचानते हैं, वो आके पूछेंगे सर मार्केट क्या। मेरा पहला क्वेश्चन आजकल हो गया है, सर आपका टाइम होराइजन क्या है? नहीं नहीं इन्वेस्टर है। अच्छा इन्वेस्टर है, वेरी गुड, फिर क्या टेंशन है, इंडिया स्टोरी है, इन्वेस्ट करो, भूल जाओ। मेरा दूसरा क्वेश्चन होता है, आप प्राइसेस कितना बार चेक करते हो? मतलब मार्केट में प्राइस स्क्रीन का प्राइस कितना बार चेक करते हो? तो पता चलता है जो आदमी अपने आप को 5-10 साल का इन्वेस्टर बता रहा है, वो सारे दिन स्क्रीन के सामने रहता है और हर 5 मिनट पे प्राइस चेक करता है। अब ये लॉजिक क्या हुआ कि जिसका होराइजन 5-10 साल है, उसको मेरे हिसाब से तो महीने में एक बार प्राइस चेक करना चाहिए। इन्वेस्ट कर दिया, महीने में एक बार प्राइस चेक किया, 15 दिन में एक बार चेक किया, मैक्स टू मैक्स, बिकॉज साइकिल नॉइज को तो हटाना है ना उसको। बट अगर वो दिन में मतलब ऑलमोस्ट ऑनलाइन है या हर 5-7 मिनट, मतलब एक चलो उस छोड़, तो हर 5-7 मिनट में अगर वो प्राइस चेक करे, उस इंसान को आप इन्वेस्टर बोलोगे या ट्रेडर बोलोगे? तो कहानी ये हो गई कि आप इन्वेस्टर का जोंगा तो पहन रखे हो कि मैं इन्वेस्टर हूं, बट एक्चुअली ट्रेडर हूं। कहानी ये पूरा का मेरा कंट्रोवर्सी का कहानी पूरा का पूरा उतना ही है कि व्हेन आई से कि ये बाजार बढ़ने वाला है, तो 2 रुपया घटने के बाद बायोकॉन हो चाहे विप्रो हो चाहे कोई शेयर हो जिसको अगर कभी आके बताया हो कि ये खरीद लो, तो सर ये इसका क्या करना है? ये इन्वेस्टर है। अगर इन्वेस्टर को बोला एग्जिट, तो वो दूसरे दिन आके बोलेगा सर आपने तो एग्जिट बोला था, ये तो बढ़ गया। ये इन्वेस्टर है। ट्रेडर की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि ट्रेडर को खुद को नहीं पता कि उसका टाइम फ्रेम क्या है। वो इंट्राडे है, स्कैल्पर है, इंट्राडे है या स्विंग है या पोजिशनल है, किसी को मतलब मैं उस बारे में नहीं, जितना कम बात करूं उतना अच्छा है, बिकॉज लोगों को लगता है कि अगेन यू नो आई एम हिटिंग द नर्व, वो नस दबा रहा हूं, कि आप हो एक्चुअली शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम के ट्रेडर, जिसको मैं बोलता हूं गैम्बलर, और अपने आप को रखते हो या प्रेजेंट करते हो एज इफ यू आर अ इन्वेस्टर। बुरा लगेगा सुन के बट ये हकीकत है। तो प्लीज पहले डिसाइड कर लो कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो। इन्वेस्टर हो तो फिर आपको महीने में एक बार से बेसी प्राइस नहीं देखना चाहिए, फिर आके ये नहीं बोलना चाहिए कि सर बैंक निफ्टी 4-digit कब होगा, एग्जिट करवा दिया ना तो अब पेशेंस रखो, या एंट्री करवा दिया ना कोई शेयर में, OMC में, इसमें उसमें, जहां एग्जिट नहीं बोला है वहां पेशेंस रखो। उसके बाद ये नहीं कि आप टेस्टिंग कर रहे हो, अब OMC जब बोला तब किसने नहीं लिया, जब डबल हो गया तो 1000 मैसेज, सर अब ले लूं, सर अब ले लूं, क्यों? कि पहले तो आप टेस्ट कर रहे थे कि रॉन्ग कब होगा, 2% घट जाएगा तो आप मैसेज दोगे कि सर ये आप तो अब क्या करूं, मेरा तो घर बार बिक गया क्योंकि आपके बोलने पे ले लिया, 2% गिर गया। अब जब राइट हो गया, डबल हो गया, तो आप समझ में आया नहीं ये तो राइट हो गया, तो आप पूछोगे कि सर अब ले लूं, इसका क्या आंसर दूं मैं, क्या आंसर दूं?
आप खुद सोच के देखो कि ये इन्वेस्टर का मेंटेलिटी है या ट्रेडर का मेंटेलिटी है। इन्वेस्टर वो होता है जो एक बार अगर सेक्टर समझ में आया या कुछ समझ में आया वो धीरे 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 उसे पोजिशन बिल्ड करता है, और पेशेंस होता है। इन्वेस्टर मीन्स पेशेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो पीपल जो मल्टी मिलियनियर बिलियनर बने हैं, उनका पेशेंस 2 साल 5 साल नहीं, उनका पेशेंस होता है 10 साल 15 साल 20 साल। और आपका पेशेंस कितना है? 15 मिनट 15 दिन, तो बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखो, ये है इन्वेस्टर और ट्रेडर का डिफरेंस है, और इसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर शरद झुंझुनवाला बार बार आके कॉशन बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है, वो इन्वेस्टर के लिए बोल रहा है या ट्रेडर के लिए बोल रहा है। ट्रेडर, चलो मेरा मैंने ट्रेड शेयर किया हुआ है ट्विटर पे कि 1 जनवरी को मैंने बैंक निफ्टी निफ्टी शॉर्ट कर दिया, और उस टाइम का रियल प्राइस है, हर महीने रोल ओवर जो 2 महीना हुआ है उसका रोल ओवर प्राइस दिया हूं। अब उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम ये है, अगेन आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो नेगेटिव, मैं समझाने की चेष्टा कर रहा हूं आप लोगों को ही। एप्पल को एप्पल के संग कंपेयर करो, पेयर को पेयर के संग कंपेयर करो, ये तो बचपन से सीखा है ना। तो अगर आप इंडेक्स को दिखाकर ये बोल रहे हो कि इंडेक्स तो देखो बढ़ गया और आप मंदी में बता रहे हो, चलो ठीक है मान लिया एक बार के लिए, तो इंडेक्स का ट्रेड तो फ्यूचर में ही होगा ना। तो फिर फ्यूचर में अगर 1 जनवरी को मेरा सेल किया हुआ ट्रेड पोजिशन आज प्रॉफिटेबल है, जो कि जनवरी में इट वॉज मतलब दो लॉट बैंक निफ्टी का प्रॉफिट इन लैक्स था, कैलकुलेट करो जाके इन लैक्स, 2 लॉट, कैन यू बिलीव दैट, कैन यू बीट दैट। आज भी उसमें शायद 70-80 हजार रुपए का प्रॉफिट होगा वो, और आप ATH में हो, सब ATH में है। पर अब फिर मैं समझाऊं कि ये एल्गो है, ये प्रीमियम है, तो आप लोगों को लगता है। तो अगर इंडेक्स ऊपर है और आपका ट्रेड इंडेक्स में है एंड यू आर सेइंग कि इंडेक्स लॉन्ग है, तो भाई आपने लॉन्ग 1 जनवरी को किया, मैंने 1 जनवरी को शॉर्ट किया, बराबर है, प्रॉफिट में कौन है? I am presenting a fact. आप अगर प्रॉफिट में है तो बताओ कैसे प्रॉफिट में है? मैं प्रॉफिट में हूं तो मैं पोस्ट कर रहा हूं कि ये रोल ओवर कॉस्ट है, ये है, और मैं प्रॉफिट में हूं। देन डोंट डू शैडो बॉक्सिंग मत करो। प्रॉब्लम क्या है, हम सब आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मतलब आज मैंने फिर एक ट्वीट शेयर किया किसी यूरोपियन कंट्री से, स्कैंडिनेवियन, ही अप्रिशिएटेड, ओके गुड, उसको भूल जाते हैं एक बार, ऐसा बहुत मैसेज आता है। बट आज एक वो ट्वीट क्यों शेयर किया, क्योंकि उसमें इंडिया का टच था, एक इंडिया को उसने अप्रिशिएट किया, एक इंडियन को उसने अप्रिशिएट किया, इसलिए उसको शेयर। बट इतिहास खुल के देखो, इतिहास में क्या है, इतिहास में हमेशा चाहे वो शिवाजी हो चाहे कोई हो, हमेशा किसी इंडियन ने ही इंडियन को मारा है। इंडियन नहीं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं कि मैं कौन हूं क्या हूं या हम कौन है, क्यों अपने आप, एवरीवन इज एजुकेटेड, बट वाई ऑलवेज वी कीप फाइटिंग विद इन आवरसेल्व्स। कोई अपना लाइन दूसरे के लाइन के सामने बड़ा खींचकर ये क्यों बताना चाहता है कि तुम छोटे हो? अगर मेरा ट्वीट नहीं समझ आया, मेरा वीडियो नहीं समझ में आया, इग्नोर करो, अगर समझ में आया तो उसको फॉलो करो, उससे कुछ सीख सकते हो तो लर्न करो। बट क्यों अपना पेडिग्री दिखाना है और गाली गलौज करना है? मतलब आई एम नॉट हर्ट बिकॉज मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता हूं, सबको पता है, एंड आई डोंट डिलीट एनीथिंग। अगर आपने 1 साल पहले 5 साल पहले भी अगर मेरे को गाली दिया है ना, तो आप अपने रिप्लाईज पे जाके देखो, आपको दिख जाएगा मैंने आज तक कुछ डिलीट नहीं किया अपने लाइफ में। एक ट्वीट से लेकर एक कमेंट तक आज तक मैंने कभी किसी को ना ब्लॉक किया है ना डिलीट किया है, ये मेरा रिकॉर्ड है, और मैं सब कुछ पढ़ता हूं और उसी से आपके सेंटीमेंट को समझता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर गिविंग मी द फॉडर, आप मेरे को वो खाने का चारा दे रहे हो जिससे मैं आपको एक्सेस कर रहा हूं, आपको एसेस कर रहा हूं, मतलब आई एम ट्राइंग टू एसेस कि सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट क्या है, बाजार कब गिरेगा नहीं गिरेगा। आप अब टाइम कंप्लीट हो रहा है, बट देर आर सर्टेन डेटा विच नीड्स टू बी शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। मैं एक डेटा आया 15-20 दिन पहले RBI का, विच RBI didn't say it is a caution, but actually it sounded like a caution. क्यों? वो almost like a red flag था. 48% of entire retail book of the entire banking industry is now unsecured. आप Google मार लेना, 48% of the entire loan book by retail is now unsecured in the form of credit card, in the form of personal loan, or in the form of consumer loan. जो कि आज से 3-4 साल पहले एक मिनिस्क्यूल पोर्शन, मतलब बहुत छोटा परसेंटेज हुआ करता था, बिकॉज मोर देन 90% ऑफ द बुक यूज टू बी इधर होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन। समझना कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अब
इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया इज नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम सेविंग्स इकोनॉमी टू कंजम्पशन इकोनॉमी. लास्ट वीक एचडीएफसी बैंक का जो कॉन कॉल हुआ उसमें क्या सुना, एचडीएफसी क्लियरली सेड द चैलेंज इज नॉट डिपॉजिट ग्रोथ, 1+1 को जोड़ो, 1+1 को जोड़ो और उससे आगे बढ़ो. क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि डिपॉजिट मिलने में प्रॉब्लम है. क्यों, डिपॉजिट कहां से आएगा, जिसके बैंक में पैसा है वो मार्केट में जा लगा रहा है या वो लोन ले रहा है और खर्चा कर रहा है, उसको सेविंग्स करना ही नहीं है. अब ये जो इकोनॉमी इंडिया जिस जगह बढ़ रहा है, जिसको हम यूएस में आज से 10 साल पहले बोलते थे प्लास्टिक मनी, तो अब इंडिया उस जगह बढ़ रहा है जहां वी आर नॉट गेटिंग इनटू कंजम्पशन इकोनॉमी. तो कंजम्पशन इकोनॉमी में क्या है कि आपको सेविंग्स कुछ नहीं करना है, और अगर सेविंग्स है भी, अगर कुछ बच भी रहा है तो उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दो या मल्टीप्लायर इफेक्ट में डाल दो या कहीं कुछ डाल दो. मतलब बैंक सेक्टर, एचडीएफसी बैंक, अ बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक इज नाउ सेइंग दैट डिपॉजिट इज अ चैलेंज. सोच के देखो ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए. दिस इज अ एडवांस रेड फ्लैग. आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट एनवीडिया, हाउ एनवीडिया वन कंपनी, एक कंपनी का रिजल्ट पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट या पूरे वर्ल्ड के गवर्नमेंट्स को हिला सकता है. अब मैं क्यों बोल रहा हूँ गवर्नमेंट्स को हिला सकता है, आप सोच के देखो कि अगर यूएस मार्केट में उनको इंटरेस्ट रेट कम करना है, बट एक एनवीडिया का रिजल्ट आता है या एक एनवीडिया का स्टॉक इस लेवल पर चला जाता है जो एक दिन में ओवरनाइट रिलायंस और रॉयल का मार्केट कैप बढ़ा देता है. तो आप ये सोच के देखो कि जो उन लोग टाइटनिंग कर रहे हैं वो टाइटनिंग वो कर पाएंगे, डाइटिंग कर नहीं पाएंगे. इसका मतलब तो फ्री मनी इज प्रिंट गेटिंग प्रिंटेड ऑन द स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट. तो इसका मतलब क्या, लास्ट वीडियो या दो चार वीडियो पहले मैंने बताया था मैं मार्च मई तक नहीं देख रहा हूं, अब आ गया ये डेटा ओरिजिनल कि मई तक नहीं, अब जून जुलाई, मैं बोलता हूं पूरा साल. इनफैक्ट उस वीडियो में बता चुका हूं कि ये पूरा साल निकल जाएगा, अगला साल भी निकल जाएगा. तो टाइटनिंग होगा कब, इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन या कब ये होगा, कब ये होगा, तभी जब ये साइकिल्स खत्म होंगे. ये साइकिल, ये जो फॉल्सिफिकेशन, मतलब ये यू नो आर्टिफिशियल ग्रीड, ये ग्रीड साइकिल जब बंद होगा तभी ना इन्फ्लेशन बंद होगा. क्योंकि अगर एक ओवरनाइट ट्रिलियन ऑफ डॉलर यूएस इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स इन स्टॉक मार्केट, तो इन्फ्लेशन कैसे कम होगा, इन्फ्लेशन कम नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो इकोनॉमी के ऊपर जो इमर्जिंग मार्केट्स है ये है डॉलर इंडेक्स का कोरिलेशन है, वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करता हूँ क्योंकि समय बहुत आगे निकल गया, थोड़ा सा मेरे को स्क्वीज करना पड़ेगा. आई थिंक एक सेकेंड रुको, मैं एक बार पॉइंट्स नोट करके लाया था, एक बार देख लेता हूँ. हाँ ठीक है, मोस्टली एक दो पॉइंट बचे हैं क्रूड का जैसे मैंने बताया, या उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे. बट आप खुद सोच के देखो कि अब कोई पूछे कि सर ये पूरा वीडियो देख लिया, मार्केट का क्या, मार्केट के लिए बहुत क्लियर बोल के जाता हूं कि मार्केट अब उस मोमेंट पे पहुंच चुका है, उस क्रक्स पे पहुंच चुका है जहां ये एल्गो बोलो ओपन इंटरेस्ट जितना मैंने आज तक समझाया है वो सब जिसको समझ में आया है वो उस चीज को पकड़ चुके हैं. अब डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन है, स्टेट बैंक बढ़ रहा है, किस तरह से बढ़ा ये सबको पता है, मार्केट गिर रहा है किस एडवांस डिक्लाइन पे, मार्केट बढ़ रहा है किस एडवांस डिक्लाइन पे बढ़ रहा है ये सबको पता है, लोग आंख बंद कर रखे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप का क्या अवस्था है ये सबको पता है, एचडीएफसी बैंक कहां तक पहुंच गया, पॉली कैप कहां तक पहुंच गया, आईटीसी कहां तक पहुंच गया, कौन सा स्टॉक मेजर फ्रंटलाइन स्टॉक्स कोटक महिंद्रा इंडसइंड बैंक कभी वो 40 रुपये नीचे, 10% नीचे, कोई 15% नीचे, ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. तो इतिहास खुल के अगर आप देखोगे ना तो 2019-20 में जब मैं फर्स्ट ये इस चीज की बात कर रहा था कि एक्सीडेंट हैव स्टार्टेड, तो आई एम अगेन सेइंग कि आई एम नॉट सेइंग कि 2000 कुछ लोग तो फिर इस मतलब अब मैं नहीं पता किसको फॉलो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं दे हैव स्टार्टेड सेइंग कि 2008 जैसा क्रैश आ जाएगा, 2020 जैसा क्रैश आ जाएगा. आई एम नॉट सेइंग कि वैसा क्रैश आएगा, बट वो लेवल परसेंटेज वाइज अलग था. अब जो करेक्शन आएगा जिसको आप करेक्शन बोल सकते हो या फिर जब शरद झूनवाला आकर बोलेगा ना कि अब खरीदो, मैं फिर कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कोई नहीं खरीदेगा. जब 27 अगस्त अक्टूबर, मतलब ये जस्ट तीन चार महीना पहले का भी वीडियो भी जाकर देखेंगे ना, अक्टूबर एंड का और नवंबर फर्स्ट वीक का, व्हेन आई सेड कि खरीद लो, किसी को याद नहीं है कि उस समय भी बोल रहा था खरीद लो क्योंकि किसी ने नहीं खरीदा. बट बेचने कब बोला ये सबको याद है क्योंकि उसके बाद बड़ा बाजार बढ़ गया. फिर एक समय आएगा इसी साल
when the blood will be on the street, I know the month, date, approximation, जो भी है, पूरा yearly calendar है. फिर जब आकर बोलूंगा ना खरीद लो, फिर यही लोग जो आज आकर बता रहे हैं कि 25,000 जाएगा, 28,000 जाएगा, वो फिर आकर उसी मैसेज पे देंगे कि अब ये तो यहां चला जाएगा, ये तो वहां चला जाएगा, कितना नीचे चला जाएगा. दिस दैट वाई वी आर फाइटिंग. इधर यू एक्सेप्ट द गुड थिंग और यू इग्नोर द बैड थिंग इफ यू वॉन्ट. वाई वी आर फाइटिंग. पूरा दुनिया उसका फायदा उठाता है जिसके लिए हम लड़ते हैं. हम क्यों लड़ रहे हैं? हमको लड़ना क्यों है? आपका ज्ञान अगर मेरे से ज्यादा है, वेरी गुड, देन इग्नोर. आपका ज्ञान कुछ कम है या बराबर है तो जो अच्छा है उसको सीख लो, समझ लो, अदरवाइज इग्नोर. बट हम सोशल मीडिया में लड़ते हैं. क्यों लड़ते हैं? देखो इतिहास खोलकर, एक वॉर रूम बनाया जाता है. आज पूरा इतिहास अगर खोल के देखें ना इंडिया का, तो वॉर रूम बनाया जाता है बाहर वाले लोगों का और वहां पर लड़वाया इंडियंस को जाता है. ट्विटर, सो कॉल्ड द बेस्ट सोशल मीडिया है किसी बाहर का, उसमें लड़ इंडियंस रहे, लड़ो, लड़के फिर उसके बाद. बट एक चीज है, एटलीस्ट फॉर व्हाट आई से, समय को समय तो दो, टाइम को एटलीस्ट गिव टाइम टू टाइम टू प्रूव हु इज राइट हु इज रॉन्ग. इफ आई एम सेइंग समथिंग कि सेल, तो कोविड का अगर बोल रहा था बाय कर लो, उस लोग को बनने में भी 3 महीना लगा. उसके बाद क्या हुआ? यूक्रेन रशिया को भी 2-3-4 वीक लगा. उसके बाद क्या हुआ? अगर इफ आई एम सेइंग कि बी कॉशियस, ऑफलोड योर पोर्टफोलियो, स्टे लाइट, तो उसको टाइम तो दो. वाई की आज बोला तो आज ही उसका चाहिए. वाई की मतलब हैव सम काइंड ऑफ पेशेंस, गिव टाइम दैट टाइम, लेट टाइम प्रूव वेदर आई एम राइट और वेदर आई एम रॉन्ग. क्योंकि जब फिर एक समय आएगा, जब कोविड के बारे में हुआ, यूक्रेन रशिया के बारे में हुआ कि ये नरेटिव है, ये समय बताया ना कि कौन राइट हुआ कौन रॉन्ग हुआ. तो इस चीज को भी एक समय दो, फिर देखेंगे ना कौन राइट हुआ कौन रॉन्ग हुआ. अगर रॉन्ग हुआ तो फिर आकर बोलूंगा कि मैं रॉन्ग हो गया. बट समय को समय तो दो, क्योंकि बाजार कल अगर गिर गया तो आप में से 80% अरे कभी तो गिरना ही था. कितना गिरना है, कब गिरना है, कैसे गिरना है, आपका पोर्टफोलियो निकला या नहीं निकला, कब से कॉशन दे रहा हूं और उसके बाद उस पोर्टफोलियो को कब वापस एंटर करना है या कब रीऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? इंस्टेड ऑफ फाइटिंग एटलीस्ट कंसंट्रेट की पॉजिटिव क्या बोला. एएमसी ले लो, अभी इस साल का एक सेक्टर है मीडिया सेक्टर. 2-3 बार बोल चुका हूं, वापस बोल देता हूं. इस साल का सेक्टर है मीडिया सेक्टर. अब मीडिया सेक्टर में क्या है, लोगों को एक ही प्रॉब्लम है, सर मैंने तो जी लिया था, जी तो बहुत गिर गया. अब बताओ 50 स्टॉक में 48 स्टॉक्स डबल ट्रिपल हो गए, ऑलरेडी डबल तो मिनिमम हो गए, बट एक स्टॉक 40% या 30% डाउन है, तो सर अब जी का क्या करना है? अब इस चीज के लिए क्या मैं बोलना छोड़ दूं, आना छोड़ दूं, या क्या करना छोड़ दूं, बताओ. प्लीज हैव सम काइंड ऑफ सैनिटी, हैव सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट फॉर फेलो इंडियंस, बिकॉज हम एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया हमको और लड़वा रहा है. आगे इलेक्शन है, ऐसा बहुत लड़ाई झगड़ा होने वाला है अगले 2 महीने में, ऐसा बहुत लड़ाई झगड़ा होने वाला है. मैं बंगाल में हूं, क्यों ऐसा लगता है कि यहां पर भी अब कुछ एक मेजर होगा. माई टाइम साइकिल स्टडी एंड आई एम प्रॉब्ली वेरी सून गोइंग टू ट्वीट. मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहता हूं, आई विल सून गोइंग टू ट्वीट माई गट फीलिंग अबाउट बंगाल एंड अबाउट द कमिंग इलेक्शंस. एवरीवन नोज क्या हो सकता है, क्या होने वाला है. अब उसमें कम बेसी आगे पीछे मार्केट लॉलीपॉप, जो शायद 2 वीडियो पहले बोला था कि मार्केट के पास बहुत सारा लॉलीपॉप था जो आपको दिया. कब दिया? पहले दिया राम मंदिर 22 जनवरी, पता नहीं ऑल टाइम है हो जाएगा, फिर बजट, फिर आरबीआई पॉलिसी, और अब ये परमानेंट लॉलीपॉप तो है ही ना. इलेक्शंस तक मार्केट नहीं गिर सकता, ये सबको पता है. अगर गिर गया तो क्या, अगर गिर गया और आपका पोजीशंस होल्ड है, से फॉर एग्जांपल आपने एक पोजीशन बना के रखी है और आपका होल्ड है, इवन इफ आई से कि आपका इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट का भी होराइजन होता है ना, लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. कब पैसा कब चाहिए? सर 6 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट, 6 महीना तक, 6 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी है,
एक साल बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर आज आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, वो 100 रुपया 6 महीने बाद 100 रुपया ही रहेगा या 200 हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? एक साल आपका टाइम होराइजन डिफाइंड है, एक साल के लिए इन्वेस्ट, इसका मतलब क्या? वो गैम्बलिंग है, वो ट्रेडिंग है, उसको आप इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते। एक साल में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ऐसा कहां लिखा है कि आपका डिफाइंड पीरियड में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलना ही मिलना है? सोच के देखो। अब अगर वो इलेक्शन के पहले अगर कुछ ऊंच नीच हो गई मार्केट में, से फॉर एग्जाम्पल, एंड फिर आपका पोर्टफोलियो होल्ड है, अब आप वेट करोगे, कब तक वेट करोगे? और कोई कारण से, मतलब भले ही 2 सीट कम आ जाए या 5 सीट कम आ जाए या कुछ भी आ जाए, ऐसा नैरेटिव बिल्ड हो जाए और वहां पर पैनिक हो जाए आपको इलेक्शंस तक या इलेक्शंस के बाद, फिर आपका एग्जिट टूट गया। कभी सोचा है ये चीज को? मतलब यू आर टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। जब ग्रांटेड ले रहे हो तो फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या क्या कर रहे हो? ब्लाइंड फेथ, मतलब होना ही नहीं है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी में यू आर फर्स्ट थिंग इज हिट रेशियो इज 100%। हिट रेशियो इज 100%, क्योंकि हाँ बढ़ना ही है ना। अगर बढ़ना ही है तो फिर ना मेरा दरकार है ना किसी और का दरकार है, फिर तो यू आर गॉड। बाकी तो सब चीज फिर यू आर द गॉड, यू आर द, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि क्या होने वाला है, वो सब आपको पता है। तो फिर आप क्यों किसी के पास भी जा रहे हो, किसी का सुन रहे हो? क्यों 25,000 हो जाएगा, 26, मैं बोलता हूं 1,00,000 निफ्टी हो जाएगा, बट कब होगा? 1,00,000 निफ्टी भी होगा बट कब होगा? अब उस चीज का जवाब कौन दे? ये जवाब तो अपने को आपस में समझना है और एक सैनिटी, जिसको बोलते हैं सैनिटी प्रिवेल करना है कि इस टाइम पे मेरा एक्शन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ऑन द टेबल कितना रखना है, ऑफ द टेबल कितना निकाल लेना है। जब सबका सब कुछ लगा हुआ है तो उस समय मेरा क्या फीडबैक होना चाहिए, और जब सब डरे हुए हैं, ये इतिहास गवाह है कि पीपल हु हैव मेड मनी इन स्टॉक मार्केट हैव ऑलवेज बॉट लो, वो हमेशा सस्ता खरीदते हैं और महंगा बेचते हैं। आज के दिन में हम सरप्राइज कि महंगा किसी को बेचना ही नहीं है क्योंकि उनको लग रहा है ये आज भी सस्ता है। ये अब कौन डिसाइड करेगा, ये अब कौन डिसाइड करेगा कि आज महंगा है या आज सस्ता है? ये डिसाइड करेगा वक्त, ये डिसाइड करेगा टाइम। आने वाला समय बताएगा कि आज जिसने खरीदा वो विनर है या जिसने आज बेचा वो विनर है। घर जब अपना लोग खरीदते हैं ना तो हमेशा सबको लगता है कि नहीं नहीं ये बहुत महंगा है, इतना नहीं इतना नहीं। एक बार खरीद लिया ना तो वही 6 महीने 1 साल बाद सब लोग बोलते हैं सस्ता खरीद लिया। ये रियल एस्टेट के लिए अप्लाई हो सकता है, बट ये क्या डायनेमिक मार्केट रियल एस्टेट में बहुत टाइम स्पैन के बाद एक साइकिल प्ले करता है, 2008 जैसा, जहां रियल एस्टेट डाउनफॉल पे जाता है। बट ये स्टॉक मार्केट है और ये डायनेमिक है, यहां बोथ साइड मूवमेंट होता है। ये बोथ साइड मार्केट मूवमेंट में इज इट जस्टिफाइड कि आपने सिर्फ एक डायरेक्शन को पकड़ लिया कि ये डायरेक्शन ही बस डायरेक्शन है, दूसरा कोई डायरेक्शन है ही नहीं? चलो गुड, एंड करता हूं एक छोटा सा दुहा के संग, हमेशा स्टार्ट करता था और अब एंड कर रहा हूं। और ये सब सीख है, इसको आप नेगेटिव मत लो, पॉजिटिव मत लो। और ये भी बहुत, जो मेरे चाहने वाले हैं ना, वो सोचते हैं कि फिर मैंने पूरा वीडियो ना ट्रोलर्स के ऊपर बना दिया है। ट्रोलर्स नहीं है, समझो इस चीज को, समझो इस चीज के अंदर का एक मीनिंग समझो कि मैं बताना क्या चाहता हूं या समझाना क्या चाहता हूं कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात करो, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। आई थिंक आई एम डन, मतलब नमस्कार।